अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। माशाल्लाह हमारा हलवा रेडी है, चलिए इसकी क्या रेसिपी है हम लोग जानते हैं, हमारे साथ बने रहिए सूजी और चने की दाल के हलवे के साथ। आज हम बनाते हैं हलवा शबरात का। चल रहा है उस माहौल को लेके बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो घर में थोड़ा बहुत जो भी चीज है, जैसे चने की दाल है, किसी क्या नहीं है, किसी क्या है, तो मेरे पास चने की दाल थोड़ी बहुत रखी हुई थी, तो हमने चने की दाल आधा किलो भिगो दी थी 5 घंटा पहले। तो आज हम चने की दाल का हलवा बनाते हैं, उसके बाद से फिर सूजी का हलवा बनाते हैं। सबके घर में अलग अलग तरीके से बनता है, पे हमने आधा किलो चने की दाल ली है जिसे हमने 5 घंटा पहले भिगोया था और छान के हमने बाउल में रखी है। जितनी चने की दाल है उतनी चीनी ली है हमने आधा किलो, घी 1 कटोरी, देसी 1 चम्मच, हरी इलायची पिसी हुई, नारियल का बुरादा 1 कटोरी छोटी। यहाँ पे हमने बादाम लिया हुआ है 4-5 कटोरे, किशमिश, गरी, नारियल कटा हुआ, फूड कलर आपकी मर्जी, आप डालें या न डालें, हमने लिया है। तो हमने आधा किलो सूजी भी ली है, चने के हलवे के बाद हम लोग सूजी का हलवा भी बनाया है। फिर चढ़ाते हैं हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई और डालते हैं इसमें चने की दाल। ये हमने अपनी आधा किलो चने की दाल ली हुई थी उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और उसी के बराबर का आपको दूध डालना है, ना ज्यादा ना कम, इतना दूध डालिए कि चने की दाल उसमें बराबर से डूब जाए। दाल को हमने 5 घंटा पहले ही भिगो दिया था सुबह ही, 5 घंटे के बाद से हमने इसको सोक कर लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। आपको दूध इतना ही डालना है कि बस चने की दाल इसमें डूब जाए। अब हम इसे ढक देते हैं, ढक्कन भी पूरा नहीं लगाना है क्योंकि जब दूध का उबाल आता है तो दूध बाहर आ जाएगा। हल्के से ऐसे ढकना है, मीडियम से लो फ्लेम तक आपको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। याद रहे दाल ज्यादा ना गले। इधर हम चाशनी के लिए पानी चढ़ा देते हैं, चीनी डाल दी है हमने दाल के बराबर आधा किलो। धीरे धीरे चलाइए ताकि गुटका ना पड़े, चलाते रहिए। हमारा शीरा घुल गया है, चीनी घुल गई है इसमें, हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देते हैं, ऑप्शनल है आप डालें या ना डालें, लेकिन हमने यहाँ पे डाला है। हमारी चीनी पानी में घुल गई है, हमने इसमें फूड कलर डाल दिया है, शीरा हमारा तैयार हो रहा है। दो चुटकी इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, स्लो फ्लेम पे कर दिया है, पकता रहेगा जब तक हमारा शीरा तैयार नहीं हो जाता। इधर हम अपनी दाल को खोल के देखते हैं कि हमारी दाल हुई कि नहीं। देखिए हमारी दाल का दूध सूख गया है, अब इसे धीरे धीरे चलाते हुए फ्लेम बंद कर दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए दाल गली है कि नहीं। हमारी दाल गल चुकी है, हमारी दाल पिसने की एकदम पिसने के लिए एकदम रेडी है। तो हम इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं दोस्तों। इधर हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है,
हमारी दाल ठंडी हो गई है, अब हम इसे ग्राइंडर में पीसने के लिए डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी दाल पीसिए, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ग्राइंडर चल नहीं पाता है। हम अपनी दाल थोड़ी थोड़ी करके पीस लेंगे। शीरा हमारा हो गया है, इसमें तार बनना शुरू हो गई है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे शीरे में तार बनी है कि नहीं। देखिए हमारे शीरे में तार बन गई है, शीरा हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दाल हमारी पीस रही है, दाल को हमने पीस लिया है आधा, थोड़ा थोड़ा करके पूरी दाल ऐसे पीसते रहेंगे। दोस्तों ये हलवा मेरे अंदाज में आप बनाइएगा और बताइएगा कि ये कैसे लगा। वैसे तो हर घर का एक अपना अंदाज होता है, लेकिन आप मेरे अंदाज में ये हलवा बनाइएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। हमारी दाल पीस चुकी है, इतनी बारीक आपको पीसनी है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये मेरे वीडियो का पार्ट वन है, कल मेरा पार्ट टू आएगा, प्लीज जरूर देखें उसे। अभी हम नहीं बताएंगे, आप जब देखेंगे खुद ही आप समझ जाएंगे। ये हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, घी हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें दाल डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए, घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे, जो दाल हमने पीसी हुई थी। अब धीरे धीरे हम इसको दबाते हुए मिलाएंगे। ये प्रोसीजर कम से कम आधा घंटा चलता है। दाल को बिना हाथ रोके आपको चलाना है, भुनना है घी में। देखिए लम्स की तरह तैयार हो गई है। अब ये धीरे धीरे जितना हम भूनते जाएंगे उतना ये दानेदार हो जाएगी, अलग हो जाएगी, घी छोड़ने लगेगी। देखिए हमारी दाल भून चुकी है, अब ये घी भी छोड़ने लगी है। प्लीज दोस्तों मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और मेरे अंदाज में जरूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को जरूर देखें ताकि आने वाली वीडियो की फ्रेश नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए। यहाँ देखिए हलवा हमारा भून रहा है, यकीन मानिए मेरा हलवा भूनते भूनते मेरा हाथ भी दर्द कर रहा था। बहुत टाइम लग जाता है हलवा भुनने में क्योंकि कच्चा रहता है, इसलिए इसको धीरे धीरे आंच पे भुनना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। कम से कम 30 से 35 मिनट लग गया था। हमारा शीरा तैयार हो गया था, ठंडा हो गया था, हमने उसको गर्म करके अब हलवे में डाल दिया है। अब धीरे धीरे इसको चलाएंगे। इसको चलाते ही आपको रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसको ऐसे ही मिलाते रहेंगे जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए एक जगह। क्या हम इसमें इसको परात में निकालते हैं। परात में हमने इसको सेट कर दिया है। अब हम इसमें जितने ड्राई फ्रूट थे डाल देंगे, क्रश किया हुआ नारियल, किशमिश, बादाम, कटी हुई नारियल। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की फ्रेश नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप ये जरूर याद रखिएगा कि ये मेरी वीडियो का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट कल आएगा।
अभी हम ये नहीं बताएंगे आपको, आप जब खुद देखेंगे तो समझेंगे।